त्रिवेणी 32 अंध सुदर्पण वेद पुराना, दर्बी कहा महारस जाना, जसखर चंदन लादे उभारा, परिमल बास न जान गंवारा, कहीं कबीर खोजे असमाना, सोन मिला जो जाए अभिमाना। अंध सो दर्पण वेद पुराना, जैसे अंधे आदमी के लिए दर्पण बेकार होता है, वैसे ही जो भीतर के अंधे हैं, विवेकहीन हैं, उनके लिए वे शास्त्र पढ़ना बेकार होता है। जैसे दर्बी करछुली अनेक व्यंजनों में घूमती है, किंतु यह नहीं जानती कि उन व्यंजनों का स्वाद क्या है। इसी प्रकार कुछ मनुष्य करछुली के समान होते हैं, वे खूब शास्त्रों को पढ़ते हैं, रटते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, किंतु आचरण के नाम पर कोरे के कोरे रह जाते हैं। उन ग्रंथों को पढ़ने का स्वाद लक्ष्य क्या होना चाहिए नहीं मालूम। जैसे गधा चंदन का भार लादकर ढोता है, किंतु वह चंदन की सुगंध को नहीं जानता। ठीक इसी प्रकार कितने ऐसे पशु हैं जो शास्त्र ज्ञान का बोझा लाद करके घूम रहे हैं, लेकिन वे उसकी सुगंध से, आत्मज्ञान से कोरे के कोरे रह जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, ये वे सात पढ़ने वाले लोग आसमान में खोजते हैं, आकाश नापते हैं, ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को, स्वर्ग को, मोक्ष को आकाश में खोज रहे हैं, लेकिन आकाश में कहाँ स्वर्ग मोक्ष परमात्मा है जो मिले। सो न मिला जो जाए अभिमाना, बहुत खोज रहे हैं लेकिन वह विवेक ज्ञान इन्हें नहीं मिला, आत्मज्ञान इन्हें इन लोगों को नहीं मिला, जिसके मिल जाने से इनका अभिमान दूर होता। दर्पण का अपना महत्व है। दर्पण के सामने खड़े होने से अपने चेहरे की वास्तविकता दिखलाई पड़ती है, चेहरा में कहाँ दाग है, कहाँ सफाई है, क्या है, उसे हम देख सकते हैं। लेकिन आँख ही फूटी हुई हो, आँख ही नहीं है, तो दर्पण का क्या महत्व होगा। आँख वालों के लिए ही दर्पण का महत्व होता है। ऐसे ही जिनके पास विवेक ही नहीं है, जिनके विवेक विचार के नेत्र फूट गए हैं, ऐसे लोगों के लिए वेद शास्त्र का क्या महत्व है। बल्कि वेद शास्त्र पढ़ना उनके लिए अहंकार और पतन का ही कारण होता है। और ऐसे लोग तमाम वेद शास्त्रों को पढ़ करके अपनी गलतियों को भी वेद शास्त्र का प्रमाण दे करके छिपाते हैं, उन्हें सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे करछुली, बिना करछुली के तो कोई भी व्यंजन बनता ही नहीं है, चलाना है, पलटना है, उलटना है, तो करछुली की आवश्यकता होती ही है। लेकिन करछुल को क्या मालूम कि इस व्यंजन का स्वाद कैसा है, वो तो खाने वाले को मालूम होता है। करछुल कठोर होता है, इसलिए उसमें स्वाद भींगता थोड़े है। ऐसे साहब कहते हैं, जो खाली करछुल के समान एकदम ठोस है, हृदयहीन है, ऐसे लोग भले ही नाना शास्त्रों को मत डाले, जीवन बिता दे शास्त्र पढ़ते पढ़ते, लेकिन वे आत्मज्ञान के नाम पर कोरे के कोरे ही रहते हैं। उनका जीवन सद्गुण सहचार पवित्राचरण से रहित होता है,
उन्हें स्वाद मालूम नहीं होता। वे स्वाद पढ़ने का स्वाद है अपनी बुराइयों को त्याग करके अच्छाई के मार्ग पर चलना, आत्मकल्याण के पथ पर चलना। लेकिन शास्त्र ज्ञानी लोग ऐसा कहाँ करते हैं, वे तो मान लिया बस हमारा काम है शास्त्र पढ़ना और लोगों को उपदेश देना। उपदेश देने की बात भी यही है, हम यदि किसी को उपदेश दे रहे हैं, कहीं प्रवचन कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है? कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा हमारा आचरण हो। लेकिन मान लिया गया कि हमारा काम उपदेश करना है, दूसरों को चेताना है, भले हम गड्ढे में गिरे हुए हों, भले हमारा जीवन चाहे कितना निकृष्ट हो, चाहे त्याग हो, वैराग हो, सेवा परायणता हो या न हो, विनम्रता हो या न हो, हमारा काम तो दूसरों को केवल जगाना है। यहाँ भी ये बात ही आती है, कहीं भी हो जब विवेक नहीं होगा, विचार नहीं होगा, ग्रहण बुद्धि नहीं होगी, हृदय में कठोरता होगी, तो सारा ज्ञान सारा उपदेश करना केवल दूसरों के लिए होता है, अहंकार का कारण होता है, सुधार का कारण नहीं बनता। कितने ही प्रवक्ता हैं, कोई भी प्रवक्ता हो, अमुक मत की ही बात नहीं है, मत थोड़ा गलत थोड़ा होता है, गलत आदमी होता है। हर मत में हर संप्रदाय में अच्छे लोग हैं, और कोई ऐसा मत नहीं है दुनिया में जिसमें कहा जा सके कि इसमें गलत लोग नहीं हैं। हर जगह गलत लोग हैं, और उनका कहना सुनना खाली दूसरों के लिए होता, अपने लिए नहीं होता है। खास यहाँ तो साहब कहते हैं कि शास्त्र अध्ययन किया, लेकिन जीवन में आचरण के नाम पर कोरे के कोरे रह गए तो बेकार है। जैसे कई बार आप किसी पुस्तक को रख देते हैं, पढ़ा पुस्तक, पुस्तक पढ़ी है मैंने दो चार महीना, और आप पुस्तक जब निकालते हैं तो देखते होंगे उसमें छोटे छोटे कीड़े दिखाई पड़ते हैं रेंगते हुए। अब पता नहीं वो कीड़ा उसी किताब में पैदा हुआ है कि बाहर से आया है, उसी किताब में घूम रहा है महीनों से, तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो कीड़ा बहुत ज्ञानी हो गया होगा। अरे उसी में पैदा हुआ, उसी में रह रहा है, उसी ज्ञान की तो कहना ही क्या है। अब कोई ऐसा कहे तो कहा जाएगा कि आदमी पागल है, अरे कीड़े को क्या ज्ञान होगा। ऐसे ही कितने कीड़े ऐसे होते हैं जो दो पैर वाले कीड़े होते हैं, जो खूब रट रहे हैं लेकिन ज्ञान के नाम पर कोरे के कोरे। हम शास्त्र को रट लिया तो ज्ञानी थोड़े हो गए। ज्ञानी तो तब हो माना जाएगा जब आचरण वैसा हो, जीवन की रहनी वैसी हो। जब खर चंदन लादे उभारा परिमल बासन गाजानु गमारा, साहब कहते हैं जैसे गधा चंदन का बोझा ढोता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं जानता, ऐसे ही साहब कहते हैं कितने लोग शास्त्र अध्ययन का बोझा लिए घूमते हैं, उसका अहंकार लादे घूमते हैं, कहते हैं हमने ये पढ़ लिया। इसलिए पढ़ लिख लिए वो अलग बात है, उसका उपयोग कितना किया, आत्मज्ञान हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो खाली बोझा ही तो ढो रहे हैं। एक आदमी बाहर का बोझा ढोता है, एक आदमी भीतर से बोझा ढो रहा है, बस बोझा न ढोएं, केवल आचरण करें। बड़े वे नहीं हैं जो वे शास्त्र को पढ़ते हैं, बड़े वे हैं जो उसका आचरण करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्रों को पढ़ करके अपने को ज्ञानी कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं
जो स्कूल गए ही नहीं, किसी गुरु से पढ़े ही नहीं, लेकिन जिनके मुख से वे शास्त्र निकलते हैं, सच्चे ज्ञानी तो वे हैं। ऐसा जीवन बनाना चाहिए कि हमारा जीवन ही वे शास्त्र जैसा बने, इसमें जीवन की सार्थकता है। कहीं कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। सदगुरु कबीर कहते हैं, नाना शास्त्रों को पढ़ लिए लेकिन मोक्ष को, ब्रह्म को, परमात्मा को आकाश में खोज रहे हैं। तो आकाश में खोजने से क्या मिलेगा? कहाँ वहाँ मोक्ष का कोई लोक है? कहाँ वहाँ कोई परमात्मा सिंहासन लगा करके बैठा हुआ है? ये वहाँ खोदने से मिलेगा। आकाश तो कोई चीज है ही नहीं, वो तो शून्य है बिल्कुल, लेकिन लोग ऊपर तरफ ताक रहे हैं, ऊपर तरफ हाथ उठा रहे हैं, पुकार रहे हैं उसे। इतना भी पता नहीं चल पाया कि आकाश शून्य है, वहां कुछ नहीं है। जिन्हें परम तत्व तो कहा जाता है, वह तो आदमी का अपना आपा है। जिन्हें मोक्ष कहा जाता है, वह कुछ है नहीं, किंतु वासना निवृत्ति से जब बंधन की निवृत्ति हो गई, जो शुद्ध दशा रह गई, वह मोक्ष है। वह मोक्ष मिलना थोड़े है, मोक्ष मिलता नहीं है, बंधन रहित अवस्था मोक्ष है। और बंधन रहित होने के लिए वासना का त्याग आवश्यक है। ऐसा न करके किसी लोक में मोक्ष खोज रहे हैं, आकाश में खोज रहे हैं, तो वे शास्त्र पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ? सोना मिला जो जाए अभिमाना, साहब कहते हैं इन लोगों को वह विवेक ज्ञान नहीं मिला, या ऐसे सदगुरु नहीं मिले जो इन्हें सही रास्ता बताता, और जिन्हें सही रास्ता मिलने से इनका अहंकार दूर होता। अहंकार तभी दूर होगा जब सच्चा विवेक होगा। विवेक के अभाव में तो कहीं भी अहंकार हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पूर्ण विवेक है वहाँ अहंकार आएगा ही नहीं, कोई भी हो। जिनमें अहंकार है माना जा सकता है कि उतनी मात्रा में उनमें विवेक की कमी है। और विवेक जितना बढ़ता जाएगा उतना ही अहंकार दूर होता जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, शास्त्र ज्ञान का अहंकार मत करो, शास्त्रों का बोझा लाद करके मत घूमो, किंतु जीवन आचरण को सही बनाओ और विवेक जागृत करो, तब जीवन में पूर्णता आएगी। और जीवन का आचरण सही नहीं है, विवेक नहीं है, कितना भी रट डालो, कितना पर डालो, कोई फायदा उससे नहीं होगा।